रोहतक में धसा मंदिर, मिली सुरंग, बड़े हादसे के डर से मंदिर किया बंद। हादसे का कारण वही जिससे पूरा शहर जूझ रहा, सीवर। जी हाँ, रोहतक के पारस मोहल्ला में श्री पंचायती मंदिर अचानक से धस गया। गनीमत कह रही कि उस समय मंदिर में कोई भी श्रद्धालु या अन्य कोई नहीं था। मंदिर के मुख्य गेट की जमीन करीब 10 फीट तक नीचे चली गई। बड़े हादसे के डर के चलते मंदिर को कमेटी ने बंद रखने का निर्णय लिया। मंदिर के पुजारी दिनेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि करीब एक महीने पहले मंदिर में जगह जगह दीवार में दरारें आ रही थी, जिसके चलते शिवालय को खुदवाया गया। जिस दौरान शिवालय के नीचे 10 से 15 फीट की खाई दिखाई दी, जो दूसरी तरफ पार दिखाई दे रही थी। जब उसकी तह तक पहुंचे तो पाया कि सीवर के कारण यह सब हुआ है और जमीन धसी हुई है। उन्होंने बताया कि सीवर व्यवस्था बेहद ही खराब है, जिस कारण सीवर का पानी जमीन में जाता है। इन पानी के कारण मिट्टी धसती जा रही थी, वही मंदिर की चार दीवारी में भी दरारें आ रही थी। इसके बाद नगर निगम को भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन नगर निगम द्वारा इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद मंगलवार सुबह जब वे मंदिर में पूजा पाठ के लिए आए तो देखा कि मंदिर के मुख्य गेट पर करीब 15 फीट का गड्ढा बन गया है। इसका कारण सीवर लीक होना है। सीवर का पानी जमीन में जाता है और मिट्टी धस जाती है। मेरा नाम है पंडित दिनेश कुमार भारद्वाज, ये पंचायती गोपाल मंदिर का मैं पुजारी हूँ और 4-5 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ यहाँ। क्या घटना हो गई थी? घटना एक्चुअली हमारा यहाँ शिवालय है जी, ये आप जो शिवालय हमारा देख रहे हैं, तो इसमें जो है ना जी, हमें लगा कि दरारें आ रही हैं मंदिर में, बहुत सारी जगह जगह दरार आ रही हैं, और हमें लगा कि भाई हमारी शिवालय की वजह से हमें ये पानी वानी कहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा शिवालय अपना खुदवाया। तो जैसे ही शिवालय हमने वहाँ से हटाया, शिव शंकर की मूर्ति हटाई, बाकी मूर्तियाँ हटाई, तो मिस्त्री ने एक गड्ढा खोदा कि भाई शिवालय हम थोड़ा सस्टेनिंग बनाना चाहते हैं, बड़ा ऊंचा करना चाहते हैं। तो जैसे मिस्त्री ने गड्ढा खोदा उसमें, तो वो सारी खाई हमें दिखाई दी, पूरा पूरा एक 10-12-15 फीट का गड्ढा हमें दिखाई दिया शिवालय के नीचे, और वो इधर से उधर दूसरी तरफ पार मिला वो गड्ढा जो है ना रोड की तरफ। और ये सब हुआ तो सीवरेज की वजह से जो है ना ये सब कुछ हुआ है। शिविर का पानी कई सालों से यहाँ मर रहा है लगातार। शिविर की जो कुंडी होती है वो कुंडी नहीं है, क्षतिग्रस्त है वो कुंडी चारों तरफ से, जो शिविर का चारों तरफ से जो होती है वो नहीं है उसमें। शिविर का पानी मंदिर में गया, तो जब बाहर से हमने थोड़ा सा खुदवाया तो नगर निगम को भी, टीम को भी अवगत कराया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। राजू सहगल जी को भी अवगत कराया, उन्होंने भी कोई आश्वासन दे करके ही रह गए। उसके बाद में हमने अपने ये थोड़ा सा और तुड़वा करके देखा तो ये बाहर जो है ना ये फर्श, सुबह भी जब कल में सुबह आया तो ये फर्श टूटा मिला अनायास अपने आप ही, तो ये किसी ने तोड़ा नहीं है, अपने आप ही ये टूट गए। तो ये फर्श जो है ना केवल और केवल शिविर की वजह से ये हमारा जो नुकसान हो रहा है मंदिर में, जो आप देख रहे हैं ये सब मंदिर में शिविर की वजह से हो रहा है। तो पहले कब की घटना है जो शिवलिंग? ये 20-25 दिन हो गए सर, इसको 20-25 दिन हो गए। तो मंदिर में थोड़ी थोड़ी सी दरारें आई हुई थी, हमें लगा कि भाई वो शिव उसके वजह से है, लेकिन वो पाया तो शिविर की वजह से हमें ये जो मैंने ये दशा था वो कब? ये कल सुबह की बात है सर, कल सुबह जैसे 5 बजे मैं पूजा अर्चना के लिए आता हूँ यहाँ मंदिर में, मंदिर खोलने के लिए, तो सुबह दसने के कारण मंदिर बंद भी किया गया है। हाँ, मंदिर बंद किया रखा है, नोटिस लगा रखा है मंदिर भाई। तो कितने समय के लिए मंदिर बंद करना? अब कई दिन तक बंद रहेगा जी, केवल पूजा अर्चना ही होती है, केवल मैं आता हूँ अंदर, दर्शक लोग नहीं आते, कोई दर्शनार्थी नहीं आता मंदिर में। और जिस समय मंदिर का फर्श था उस समय कोई? हाँ, कोई अंदर नहीं था, ये तो रात को हुआ है ना सर। जैसे मैं सुबह 5 बजे मंदिर में आता हूँ तो मैंने देखा कि ये हॉल कैसे बन गया, ये फर्श नीचे से कैसे धस गया सारा का सारा। तो जब इन लोगों को बताया है, मैनेजमेंट वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको पता लगाया है, किया है, इनको बताया है, तो अब ये आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो है ना ये पूरा फर्श धस गया है और आर पार 10-12-15 फिट का तो ये है ही है। तो ये सब हुआ है शिविर की वजह से, और कोई कारण नहीं है, और कहीं से कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये सब शिविर की वजह से ही हमारा जो है ना हुआ है। तो नगर निगम वालों को भी अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया जी, कई दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए इन बातों को भी सर।